हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अभी तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और इतने तेज़ धूप हो रहे हैं कि आप अपने पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। इसीलिए आज मैं आप सभी को फिर से एक बार ऐसे कंपोस्ट बता रही हूँ, ऐसे फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो आप घर में ही आपके घर में ही है, क्योंकि मैं ऐसे ही चीज़ों का यूज बताती हूँ जो कि वेस्ट होते हैं। तो आप उसे डालिए अपने पौधे पे और उसके बाद रिज़ल्ट देखिए। मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ कि मैं अपने पौधे पे उसका यूज करती हूँ तो मेरे पौधे में इतनी तेज़ गर्मी में भी देखिए कैसे फूल खिल रहे हैं और पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो आइए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि अभी मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हुए हैं, फिर मैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में आप सभी से बात करती हूँ और बताती हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएंगे कि मैं कौन से फर्टिलाइज़र आप सभी को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे गार्डन में अभी भी रोज़ खिल रहे हैं और कितने प्यारे से दो दो गुलाब खिले हुए हैं मेरे गमले में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं घर में एक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो देखिए, वो मैं आप सभी को अपडेट भी दिखा रही हूँ उसके, कि ये देखिए, ये जो मैं उस दिन एक वीडियो बनाई थी कि हर्बल जो मेडिसिन होते हैं उसे मैं अपने गमले में डालती हूँ, तो ये देखिए मैंने इसमें 8 से 10 गोलियाँ गमले में डाली हुई है। और ये धीरे धीरे करके जब जब मैं इसमें पानी डालती हूँ तो ये अपना काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे मेरे गुड़हल के पेड़ हो गए हैं। तो उस पर मिली बग लग गए थे, उसकी मैंने पूरी ही कटिंग कर दी, तो उस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं आपको उसकी पूरी अपडेट दे रही हूँ और दिखा रही हूँ कि मैं उसे यूज करती हूँ, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मुझे मिलता है। तो दोस्तों, इतनी तेज़ गर्मी है कि अभी शाम होते होते फूल भी ऐसे जल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि फूल कितने पुराने हो गए हैं। तो कोई भी कंपोस्ट डालने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसी कोई कंपोस्ट ना हो जो पौधे को ख़राब कर दे। तो इसीलिए मैं जो चीज़ यूज कर लेती हूँ उसके बाद ही आप सभी को बताती हूँ। तो ये देखिए मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और वो गोलियाँ भी मैंने आपको दिखाई कि वो मैं उसे अपने पौधे पे हमेशा ही यूज करती हूँ। तो दोस्तों, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सभी देख सकते हैं कि मैं एक वीडियो बनाई हूँ मेडिसिन पे जो कि
हर्बल मेडिसिन पे है, तो आप उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। तो आज मैं उसी के बारे में आप सभी से बात करूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप उसे अपने पौधे पे यूज कर सकते हैं। और देखिए मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और इसमें मैंने 6-7 गोलियाँ डाल के छोड़ दी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस टाइप की गोलियाँ जो आपके घर में आते हैं तो आप इसे फेंक देते होंगे, अगर ये एक्सपायर हो गया या यूज नहीं हो रहा है तो आप इसे फेंक देते होंगे, पर मैं इसे कभी नहीं फेंकती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाई कि मेरे गमले में भी ये गोलियाँ पड़ी हुई हैं और वो धीरे धीरे करके पौधे पे अपना काम कर रही हैं। जब जब मैं उसमें पानी डालती हूँ तो ये गोलियाँ उसमें धीरे धीरे गलते रहती हैं। तो इस तरह से आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसका लिक्विड बना के भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड बना के मैंने आपको बताया भी है कि कैसे यूज करना है, मेरी वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट पौधे पे काफ़ी अच्छा मिलता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार, तभी आप जानेंगे, क्योंकि बिना ट्राई किए आप नहीं समझ पाएंगे कि इस गोलियों का असर कितना अच्छा होता है। तो आज मैं दिखा रही हूँ इसे यूज करके। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, और 1 गिलास पानी में मैं एक छोटे ढक्कन भर के और इसमें मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मैंने बोतल में भर के वो मेडिसिन रखे हुए हैं पानी मिक्स करके, तो इसे अच्छे से पहले मिला लेना है। आपके पास जितनी भी मेडिसिन है आप उसे एक बोतल में भर के और उसे पानी डाल के रख दीजिए, वो धीरे धीरे करके पिघलते रहते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं उसे एक छोटे ढक्कन भर के और इसे अभी पानी में मिक्स करूँगी। ये बहुत अच्छी कंपोस्ट है जो कि आपके पौधे पे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आप इसे ट्राई ज़रूर एक बार कीजिए, क्योंकि अगर ये आपके घर में है तो आपको किसी भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ही 10-15 दिन पे आप डालते रहिए। मैं तो इसका यूज हमेशा ही करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला, इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। और कोशिश करें कि पहले आप 1-2 पौधे पे ही ट्राई करें, उसके बाद ही सारे पौधे पे आप इसे ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आप बना के अपने पौधे पे यूज कीजिए और पौधे में डालिए। तो दोस्तों आज के लिए बस यही जानकारी थी कि मैंने तो पहले वीडियो डाले थे, तो ऐसा लग रहा होगा सभी को कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, पर नहीं, मैंने इसका यूज किया है तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नई कोई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग भी अपनी गार्डनिंग एंजॉय कीजिए। बाय।